भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी कौन है आपके? बीजेपी को देंगे। बीजेपी जी जी। सभासदी द्वारा जो भी रोडें बनी हैं वो उस जगह पे नहीं बनी है जहाँ की जरूरत हो, जहाँ की जरूरत हो उस जगह पे नहीं बनी है। जैसे मेन रोड तो विधायक नीति द्वारा आता है, सांसद द्वारा होता है, जैसे गोपाल जी अपने यहाँ से जो है विधायक हैं, सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, बट उनके द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा हुआ है। सभासदी द्वारा जो इंटरलॉकिंग आता है या नाली का सिस्टम आता है, आप कोई भी नाली देख लो, जो भी नाली आप देख लो, किसी नाली का अगर नाली का पानी बह रहा हो जो कहिएगा। क्या है, जब उनके पास जाते हैं तो वो रोकते नहीं हैं, वो हम उन अगर उन, अपना ले गए काम तो वो कर देते हैं। असुविधा नहीं होती है खाने का सामान बगल में नाली खुली हुई है? सुविधा का जब सुविधा सरकार ने दे रहा तो हम लोग थोड़े कर। नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी आप सभी का ए न्यूज़ टुडे पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जोरों शोरों पर है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हर पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों के साथ जनता को लुभाने का काम शुरू कर दिया है। मगर जमीनी स्तर पर कितना काम किया है, मगर जमीनी स्तर पर पुराने पार्षदों ने कितना काम किया है, आज हम इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड में पहुँच चुके हैं ये जानने के लिए। तो चलिए यहाँ जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पिछले 5 साल में यहाँ के पार्षद ने क्या कुछ काम किया, उसका काम कितना पसंद आया और आगे आने वाले समय में जनता किस पार्टी को अपना वोट देगी। सबसे पहले यहाँ कुछ कार्य करने वाले लोग हैं, यहाँ के लोकल हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके समस्याओं का निवारण हो रहा है। इनका एक बहुत बड़ा शिकायत है और ये एक बहुत बड़ा मामला है जो संज्ञान में लेना चाहिए। इनका कहना है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं ठेला लगाने के लिए, इनसे पैसा मांगते हैं, ये पैसा भी देते हैं, उसके बाद इनसे लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और अपने लोग बनाकर इनका ठेला हटाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये सभासद के पास गए, पार्षद के पास गए, तो क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या समस्या आप? जी भैया, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, 2-3 लोग, रतन सिंह, संजय, दीपक पाठक, जैसे हम लोग गरीब आदमी ठेला पे 2 पैसा कमाने वाले दो बाहर से आए हैं, 2 पैसा कमा रहे लोग, 50 रुपया करके, 10 रुपया करके असूल के नहीं देते हैं, लोगों को खड़ा करके दारू पिलाते हैं, फिर वीडियो बना लेते हैं, वायरल कर देते हैं, उसके बाद झगड़ा बवाल करते हो। गरीब आदमी है भैया, कमाने खाने आए हैं लोग दूर से। सभासद पार्षद किसी के पास गए? सभासद के भैया आते नहीं हैं, उनसे क्या शिकायत किया जाए, ये दिखते नहीं हैं, बस कार्यालय बैठे रहते हैं, 50-50 रुपया करके सबसे ठेले से किसी से पता कर लीजिए, सब ठेले वाले बीजेपी वाले हैं, सब 3-4 लोग नेते कहते हम नेता हैं, पैसा तो ठेला नहीं लगने देंगे, फिर भी मेरा ठेला हटवा दिए हैं, फिर गरीब आदमी भाई 2 पैसा कमाने खाने वाला दारू पी के नौटंकी करते हैं, बीजेपी के आदमी 3-4 लोग हैं, ये रतन सिंह हैं, डीके हैं, दीपक पाठक हैं, ये सब डेली का नौटंकी है। आगे और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि काम उन्होंने कितना अच्छा किया है और लोगों के क्या विचार हैं। दादा नमस्कार। हाँ भैया, कैसे? बढ़िया। 5 साल नगर निकाय चुनाव आ चुका है, 5 साल पिछले पार्षद को आप लोग दे चुके हैं, तो कैसा लगा उनका काम? बढ़िया रहा। काम बढ़िया बढ़िया था। अच्छा, तो इस बार किसको लाना चाहेंगे इस बार? अरे अब जो आए तो बहुमत पर है, जो जिसको काम रहेगा, जिसको आना होगा वही। उस मिश्रा को भी टिकट मिला है तो आपको क्या लगता है, क्या उनको लाएंगे? नहीं, ला सकते, कोई भरोसा नहीं। 5 साल इस वार्ड में जो पार्षद रहा उसने काम वाम बढ़िया करवाया, समस्याओं का बिल्कुल बिल्कुल किया उन्होंने, तो क्या लगता है आपको आने वाले 5 साल भी उन्हीं के रहेंगे? देखिए, हर चीज़ हमेशा ये परिवर्तन जिंदगी का से लेके और मौसम से लेके हर जगह परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में जाड़ा गर्मी बरसात होता है ना, तो बस वैसे ही चाहिए, तो परिवर्तन चाहिए यहाँ के, परिवर्तन चाहिए यहाँ के लिए। क्या कहना है? सभासद सही है यहाँ के, इस बार का पार्षद सभासद सही है, सही है, अगली बार के भी होंगे वो भी सही, वही होंगे। और लोगों से जानने की बात करते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे। आपका भाई, वही आपका कहना है, आप बताइए। देखिए, आप लोग जनता हो, आप लोग यहाँ के लोकल हो, समस्याओं का निवारण होता है नहीं होता? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार रोड और व्यवस्था की बात कर रही है, लेकिन यहाँ की जनता क्या करना है? जो सरकार है क्या वो काम कर रही है यहाँ की जनता के लिए? यहाँ का जो पार्षद है क्या काम कर रहा है जनता के लिए? जी जी, कर तो रहे हैं, कर रहे हैं जी जी। तो अगली बार भी इन्हीं को मौका देंगे? अगली बार वो तो सबके वोट के ऊपर है।
तब भी आप किसको वोट देंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कौन है आपके? बीजेपी को देंगे। बीजेपी? जी जी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी होती जा रही है। अब देखिए एमीम के असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि खाली मुस्लिम मारे जा रहे हैं, हिंदू नहीं मारे जा, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या वो गलत कह रहे हैं? फिर उनका भी एक कहना भी सही है। उनका कहना सही है, वो भी है, कुछ कुछ है वो और कुछ कुछ नहीं भी है। सभासदी द्वारा जो भी रोडें बनी हैं वो उस जगह पे नहीं बनी है जहाँ की ज़रूरत हो, जहाँ की ज़रूरत हो उस जगह पे नहीं बनी है। जैसे मेन रोड तो विधायक नीति द्वारा आता है, सांसद द्वारा होता है, जैसे गोपाल जी अपने यहाँ से जो है विधायक हैं, सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, बट उनके द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा हुआ है। सभा सदी द्वारा जो इंटरलॉकिंग आता है या नाली का सिस्टम आता है, आप कोई भी नाली देख लो, जो भी नाली आप देख लो, किसी नाली का, अगर नाली का पानी बह रहा हो जो कहिएगा। 5 साल में यहाँ के पार्षद ने अपनी शक्ल दिखाई? कोई नहीं, नहीं दिखाई। वो एक्चुअली क्या हुआ कि जब जो है कि बढ़ गया समय और सिस्टम बढ़ गया तो मटियारी तरफ बढ़ गए, बाकी चुने गए यहाँ से, सारा सिस्टम था, बट कोई नाली नहीं। कोई भी सीवर अगर स्टार्ट हो तो आप कहिए, मैं अपना आईडी दे रहा हूँ, पूरा सिस्टम दे रहा हूँ। जैसा कि आपने सुना कि कहीं ना कहीं चुनाव का समय आता है तो जितने भी नेता, मंत्री, पार्षद हैं वो जनता के बीच में दिखते हैं, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के समय में ही दिखते हैं। चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं जनता के सामने से वो गायब हो जाते हैं, जनता उसके बाद उनकी शक्ल देखने के लिए भी तड़पती है। तो अभी नगर निकाय चुनाव आ रहा है पार्षदी का, तो क्या लगता है इस बार पिछले 5 साल में पिछले पार्षद ने कुछ काम वाम करवाए आप? किया है, जब उनके पास जाते हैं तो वो रोकते नहीं हैं, वो हम उन अगर उन अपना ले गए काम तो वो कर देते हैं, काम ले गए कर दे, मतलब समस्याओं का निवारण कर दे। हाँ, कर देते, मिल लेते हैं, कर देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम ठीक है जो है ये अपना कर रहे। अब जैसे अभी तो यहाँ जनता कह रही है कि यहाँ नाली वाली सब ऐसे ही है, बाकी ये विधायक कोटे बना है, पार्षद सभासदी से कुछ काम नहीं हुआ। भाई मैं इतना तो नहीं जानता पॉलिटिक्स में, लेकिन मेरा काम कर देते तो मेरे लिए अच्छे है। आपका काम कर देते हैं ना, तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन देंगे भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? बहुत सारी पार्टियां खड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी भी है, छोटे मोटे सुभाष पार्टी से अभी मैंने देखा नहीं कौन कौन खड़ा हुआ। पुराने तो वही है, नए में मैंने अब तक देखा नहीं है। अगर मैं देखता हूँ कोई अच्छा होगा तो बदला जाएगा, नहीं होगा तो भैया जिंदाबाद। जैसा कि आपने सुना कि कुछ लोगों की यहाँ पे शिकायत है कि नालियों काम नहीं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर यहाँ के पार्षद के पास वो लोग पहुँचते हैं तो उनके समस्याओं का निवारण होता है, उनको अनदेखी नहीं किया जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, यहीं गए आप लोग? हाँ हाँ, यहीं गए। तो क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में पार्षद ने यहाँ कितना काम करवाया? कुछ नहीं, मिले ही नहीं लोगों से, तो काम क्या करा है। भैया जी तो कह रहे हैं समस्याओं का निवारण कर, कोई समस्याओं का निवारण नहीं है, जैसे था तैसे है, बस इस क्षेत्र की दशा जो है हाईकोर्ट आने से बदली है, बाकी सभासद न जन सुलभ हैं, न मिलते हैं, न कुछ करते हैं, इनके बस की बात कोई काम नहीं है। तो इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ परिवर्तन चाह रहे हैं। तो इस बार किसको? जो जीत जाए, जो बढ़िया हो, जो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसका? नहीं नहीं ऐसे कैसे बता देंगे, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, जो सुलभ रहेगा, जन सुलभ रहेगा, जो अच्छा प्रत्याशी रहेगा उसी को देंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार चले, आप क्या लगता है काम वाम अच्छा कर रही है उस टाइम? कुछ देश में परिवर्तन आया है? परिवर्तन अभी तो नहीं कुछ आया, पर 10-20 साल बाद लोगों का आवास होगा, जो काम हुआ है अच्छा हुआ। माफियाओं पे थोड़ा सा वो लगा है, नकेल कसी गई? हाँ हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी को आप मौका देंगे यहाँ पार्षदी में? बिल्कुल देंगे, प्रत्याशी अच्छा उतारेगी बिल्कुल मौका देंगे। पीयूष मिश्रा जी उतर रहे हैं? नहीं है अभी तो, उनका तो नहीं है पक्का, कोई ये पक्का अभी 2 बजे तक कंफर्म हो जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोगों के दिल में अभी भी है कि सभासद आते नहीं है, पार्षद आते नहीं है, जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो यही पार्षद, यही नेता, यही पार्टी जनता को लुभाने के लिए इनके बीच में दरवाजे दरवाजे जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें जिताइए, आप हमें जिताएंगे, हम आपका काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं काम कैसा चल रहा है हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे नाली देखेंगे, ये नालियाँ देखिए आप यहाँ पे, ये पूरा नाली यहाँ खुला हुआ है, अगर यहाँ रात बिरात अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पार्षद जी हैं, सिंह जी हैं, उनके हिसाब से ये देखिए, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से एक बार ये दिखाएं, ये देखिए आप, ये नाली का हाल है यहाँ पे, रोड तो बनी हुई है, रोड लोगों कहना है कि विधायक के कोटे से बन गई है, सभासदी के द्वारा नहीं बनी हुई है, और यहाँ हर 2 कदम पे आपको नाली खुला हुआ मिल जाएगा।
अब इस प्रकार अगर वार्ड की स्थिति रहेगी तो आखिर जनता उस पार्षद को कैसे दोबारा मौका देगी जिसने जनता का वोट लेकर जनता का काम ही नहीं किया। खैर, हम आगे और भी जनता से मिलेंगे। इस्माइलगंज वार्ड द्वितीय वार्ड में हैं हम लोग, और भी जनता से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का हाल क्या है और यहाँ की जनता अब किसको वोट देना चाहेगी पार्षद के रूप में। सर नमस्कार। नमस्कार। कब से लगा रहे हैं ठेला? अरे हो गए 2 साल। तो असुविधा नहीं होती है खाने का सामान बगल में नाली खुली हुई है? सुविधा का जब सुविधा सरकार ने दे रहा है तो हम लोग थोड़ी कर पाए। सरकार तो ऊपर से दे रहा है लेकिन नीचे अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसका क्या किया जाए? उसको क्या किया जाए? उसको गए अभी एक भी बार आप पार्षद के पास यहाँ कि भैया हमारे ठेले के बगल में नाली खुली हुई है बंद करवा दीजिए? नहीं, हम नहीं गए। नहीं गए तो फिर कैसे सुनवाई होगी? अरे यहाँ सब भैया लोग हैं ना, गए थे पता नहीं। पार्षद से मिले अभी तक? 5 साल हो गए यहाँ पार्षद से, अभी जानते हैं कौन है? जानते ही नहीं कौन है। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि भैया यहीं के लोकल हैं और पार्षद का नाम तक नहीं जानते हैं। तो ये जो इनका जवाब था ये यहाँ के स्थिति बता रहा है, इस वार्ड का हाल बता रहा है कि कुछ जनता कह रही है कि पार्षद ने शकल निकाली और कुछ जनता तो ऐसी है जिसको पार्षद का नाम तक नहीं मालूम। ऐसे में कहीं ना कहीं जैसा कि यहाँ की जनता ने कहा कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर परिवर्तन लाना अब ज़रूरी हो चुका है। ऐसे ही खबरों के लिए और ऐसे ही हम आपको हर वार्ड की स्थिति दिखाएंगे। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव इस वक्त सरगर्मी पर चढ़ चुका है, इस वक्त नज़दीक आ चुका है, हम हर वार्ड की जमीनी स्तर पर सच्चाई दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको कि आखिर पिछले पार्षद ने क्या कुछ काम किया है और वहाँ की जनता का क्या राय है, क्या विचार है।